मैं यहाँ अनवारी के पास रौलाहर गांव में पहुंचा हूँ, जहाँ 31 तारीख को विकास यादव की हत्या कर दी गई थी। मैं यहाँ पे पूरा परिवार, पूरा गांव बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ पूछताछ करने के लिए कि विकास यादव के हत्या करने के आरोपी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। मैं जरा विकास यादव के पिताजी से मैं पूछताछ करता हूँ। हमारे पिताजी बीमार थे, कोई देखने नहीं आता है, डर के मारे। विकास यादव की हत्या कर दी। विकास यादव कितनी उम्र थी? 17-18 साल। अच्छा, आपके लड़के की 17-18 साल उम्र थी। हाँ। अच्छा, तो ये जो विकास यादव किस दिन हत्या कर दी गई थी? 31 तारीख को। उस दिन आप कहाँ थे? हम अस्पताल में थे, लोहिया में। अच्छा, लोहिया में थे। कौन भर्ती था? हमारे पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी क्या नाम है? राम स्वरूप। फिर क्या हुआ? फिर जब हमको खबर चली तो यहाँ आए और गांव के सारे लोग घूमने लगे। अच्छा। और अब वो बताते हैं कि तुम पहले क्यों पहुँचे हो। तो ये किसने बताया कि वहाँ पे आपके पिता की, आपके बच्चे की डॉट डॉट पड़ी गई वहाँ पे? ये बताया किसी ने नहीं। अच्छा, बताया किसी ने? किसने देखा? हमारे भतीजे थे और राजू थे। अच्छा। और सब कोई थे, ढूंढने गए थे, देखे सब। अब बताया कि तुम क्यों पहले पहुँचे हुआ। मतलब बेटा आपका है, आप क्यों पहले पहुँचे? हाँ, भतीजों से कह रहे हैं आप क्यों वहाँ पहले पहुँचे। देखो कौन कह रहा है? वो एसओ साहब कहते हैं और सिपाही भी कहते हैं। अच्छा, मतलब मतलब आपको ही ऐसी बात बोल रहे हो? हाँ। क्या पूछते हैं? कहते हैं कि आप क्यों वहाँ पहले पहुँचे। अच्छा, आप ही को रखे हुए। मतलब हमारा गांव इतना डरा हुआ है कि कोई हमारे पिताजी को देखने नहीं आता है। अच्छा, और इससे पहले? इससे पहले सब आते थे। अच्छा, सबसे बोलते थे। अच्छा, और क्यों डरा हुआ है? अब वो सब समझ रहे हैं कि हमको रख देंगे, यही धमकी देते हैं। मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपका पूरा परिवार, आपका पूरा गांव यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है? सब लोग आए हुए हैं। तो फिर अब बहन बेटियों को बुलाते हैं वहाँ, ले जाते, चार चार छः छः घंटे पूछते हैं। तो आप इसके बारे में आपने कहा नहीं कि मेरा परिवार, मैं एक साथ रहता हूँ? अब वो इतना धमकी ही दे दिए। आपके गांव के, आपके परिवार को? और क्या, क्या कहते हैं? कल भी आए हैं, कल बता रहे थे कि अलग अलग पूछे हैं सबसे। अच्छा, वो पूछते हैं कि शादी कब, वो घर बनवा लिए हैं तुम्हारे भाई, शादी कहाँ से हो रही, किसने कराया? मामला आपके बेटा की हत्या का है और पूछताछ घर के सब हमारे गांव से और परिवार से, सबसे घर से होती। अच्छा, मतलब आपके परिवार का झगड़ा चलता था क्या? नहीं, ना हमारे गांव से झगड़ा है, ना हमसे परिवार से। अच्छा, तो आपके परिवार को क्यों पीट दिया जा रहा है? अब ये वो जान सकते हैं पुलिस वाले। इस संबंध में आपने कुछ कहा नहीं? हम कुछ नहीं कहे। नहीं तो आपको बताना चाहिए ना कि मेरा परिवार, मेरा गांव मेरे साथ में है। अब हमसे ये पूछते झगड़ा है नहीं, तो हम कहते झगड़ा हमारा किसी से नहीं। फिर क्या दबाव बनाते हैं? अब दबाव अलग अलग बनाते हैं, सबको ले जाते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि सबसे यही कहते हैं संजय भेजे। अच्छा, आपके ही गांव में एक जंग बहादुर नेता जी रहते थे, वही परिवार के हो ना? हाँ, परिवार के। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आके बैठे हुए हैं परिवार के। आपके कौन है? हमारे चाचा है। अच्छा, मैं नेताजी से बात करता हूँ। नेताजी, ये जो संजय भैया ने बता रखा है कि मेरे परिवार को परेशान किया जाता है या पीड़ित किया जाता है, और इनका कहना है कि कोई झगड़ा नहीं है, तो ये पुलिस क्यों आरोप लगाती है? अरे पुलिस भाई, पूछ जांच के लिए जैसे जब आ रही, आरोप लगा रही है, और हम तो रोक नहीं सकते भाई, आरोपी का लगा ऊपर नहीं लगा रहे हो। अच्छा, क्योंकि इनका कहना है कि मेरे पिताजी बीमार थे, सभी लोग देखने जाते थे, मैं कर्जा लेकर के इलाज किया हूँ, अब मेरे पिताजी को मारे डर के कोई देखने नहीं आता। देखा क्या वजह करती है पुलिस आज, किसे पूछ जांच करने लगे, इसे वो डरमा नहीं कोई। नेताजी, आप तो एक समाज सेवक है, जनपद में नहीं, आप उत्तर प्रदेश में टहलते थे, आपको समझाना चाहिए। अरे समझाई तो है, मतलब डर है तो डर नहीं कोई भाई, माओ कोई किसी से पूछ ले। अच्छा, मतलब आपका परिवार, आपका गाँव का भी डर और सहमा हुआ है? अच्छा, ऐसा कुछ था कि विकास के साथ में परिवार का कोई गाँव नहीं? परिवार कोई नहीं हो सकती, पूरी हम अंदर आत्मा कह रही, हमारे परिवार गाँव कोई नहीं। इधर देखिए, माताएं बहने बैठी हुई है। माता जी, आप कौन है? हम दादी हैं अपने। अच्छा, मतलब विकास यादव की आप दादी हैं? दादी। अच्छा, तो ये जो पूछताछ चल रही है आपके गांव में, मतलब जो आरोप लगाया जाता है कि आपके परिवार में झगड़ा चल रहा, तो क्या ऐसा है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, आपके परिवार में कोई झगड़ा नहीं है? नहीं। अच्छा, विकास यादव से कोई झगड़ा? मतलब ऐसा कोई आपके परिवार में, आपके गांव में ऐसा कोई मामला नहीं जो विकास यादव झगड़ा चल रहा हो? अच्छा, आपका मतलब आपके परिवार में कोई हमारा झगड़ा नहीं है? अच्छा, यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, माता जी आपका क्या नाम है? अच्छा, तो ये जो विकास यादव कौन था आपका? अच्छा, तो इस संबंध में कुछ आज भी पूछताछ हुई? क्या पूछताछ हुई? मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि जानते हो, बता दो। तो आपने क्या कहा? हम कहें साहब, हम नहीं जान पाए, न जाने दी हमें, तो उनका बताया। अच्छा, फिर यहाँ सब पूछती है, लड़कियाँ ही मेरी आए दो। अच्छा, और आपसे क्या पूछताछ हुई? अब यहाँ पूछे ना, अगर कोई जानकारी हो तो बताओ। गाँव में ये लड़की कौन बेटी है आपकी?
क्या नाम है? लालपरी गोल्डी। अच्छा, लालपरी गोल्डी आपके साथ में गई थी थाने पर? हाँ, हम गए रहने मेरे घर पर, हमारे पति और हमारा लड़का नहीं रहा। अच्छा, हम कल नहीं जा रहे। अच्छा, बेटा से पूछा, बेटा क्या नाम है आपका? ये आपकी माता जी, मैं पूछ रहा था अभी। अच्छा बेटा, क्या पूछताछ हुई थी आपसे? यही पूछ रहे हैं कि तुम जानती हो, बता दो। अच्छा, तुम्हारे गांव के अलावा और कोई है नहीं? तीन महीना के अपन बिटिया छोड़ के, हाँ तुम लोग सबसे चक्कर में। फांसी हुई, तुम लोग अगर बता दे तो बता दो। कौन कह रहा था? कांस्टेबल लाए, उनका नाम वाम नहीं पड़ा। अच्छा, नाम नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। क्या पूछ रहे हो, क्या कह रही थी? कह रहे थे तुम लोगों के चक्कर में बद्दुआ लगेगी, अपनी तीन महीने की लड़की छोड़ के आए, तुम लोग बता दो। तो आपने कहा ना कि मेरे परिवार का मेरा भाई था, हमने कहा, मैम हम लोग लैट्रिन गए थे इसलिए चार बार आए, तो आए हैं तो कहीं चौकी पे आके चार बार एहसान नहीं किया। हमने कहा मैम लैट्रिन गए थे इसलिए चार बार आए। अच्छा, तो आप कह देते कि आपने हमारे लिए तीन महीने की लड़की नहीं छोड़ी, आपकी ड्यूटी है। मैं तो आपसे और क्या पूछता छोड़ी, यही सब पूछना है, बता दो। तुम ही लोगों ने किया, जितने लोग बैठे हो, मतलब यही पर परिवार के सभी गांव के सभी लोग सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि हमारे पापा और हमारे भाई के ऊपर कह रहे हैं कि। पापा का क्या नाम है आपके? अमरेश यादव। अमरेश यादव जी, और भाई का? सर गोलू यादव। क्या कह रहे हैं कि तुम, तुम्हारा भाई उस दिन घर पे क्यों रुका था, पनीर बनाने क्यों नहीं गया? करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी भाभी वही बैठी रहेंगी। अच्छा, तो आपने क्या कहा? हमने कहा जब हमारे भाई ने किया नहीं और इतनी धूप होती इसलिए हमारे भाई का, मतलब आपके ही परिवार में आपके भाई की हत्या कर दी जाती है, आपके ही परिवार को फंसाने की धमकी दी जाती है। हाँ। यही ना? और कौन पूछताछ करता है चौकी पर? सीओ मैडम और इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर साहब आपसे पूछते हैं? हाँ, वो भी पूछते हैं। वो कितने देर पूछे आपसे? एक डेढ़ घंटा लगातार पूछते इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, और सीओ मैडम एक डेढ़ घंटा दो घंटा। सीओ मैडम हमारी बात सुनती नहीं, सिर्फ जो उनके समझ में आता वो करती हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब क्या पूछते हैं? इंस्पेक्टर साहब यही पूछते हैं कि तुम लोग जानती हो, बता दो। हमने कहा हम नहीं जानते हैं, तो कह रहे हैं कि बेटा बता दो और तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मामला ये है कि महिला से पूछताछ करने के लिए महिला कांस्टेबल या कोई उच्च अधिकारी पूछ सकता है? पुलिस पूछे थे।